नमस्कार, आपका एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि बासमती धान की हम अच्छी सेहतमंद नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ तैयारी करने की आवश्यकता होती है। वैसे बासमती धान की नर्सरी बहुत से किसान भाई 10 मई से लेकर के 30 मई तक डाल देते हैं, लेकिन जो आप शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की बुआई करना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, यानी 5 जून तक भी नर्सरी डाल सकते हैं और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां आ गई हैं बासमती में भी जो बहुत जल्दी यानी 100 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे ही 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे आप बासमती धान की काफ़ी अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पहले बिंदु की बात करें तो आप बासमती धान की नर्सरी की बुआई करने से पहले आपको लेजर लेवल द्वारा खेत को समतल अवश्य कर लेना है। संभव हो तो आप छोटी छोटी क्यारियों में खेत को बांट लें जिसमें आप नर्सरी डालना चाहते हो, तो इससे जो है नर्सरी में एक समान पानी भरेगा और एक समान नर्सरी का जमाव होगा और अच्छे से आप नर्सरी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जाए तो बासमती धान का बीज हमेशा ऐसी जगह से खरीदना चाहिए जो भरोसेमंद हो। संभवतः जहाँ तक संभव हो तो किसी संस्थान से बासमती धान की नर्सरी के लिए बीज खरीदें जिससे आपको शुद्ध यानी ब्रीडर बीज उपलब्ध हो सके और उसकी जो है आप बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं और मिलावट होने की संभावना नहीं होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान रखना है वो बासमती धान की नर्सरी डालने के पहले बीज को शुद्धिकरण के लिए एक आपको टब या बाल्टी ले लेना है। उसमें जो है आपको 1 किलो नमक 20 लीटर पानी में घोल लेना है और इसके बाद बीज उसमें धीरे धीरे डाल देना है। इससे जो हल्का बीज होगा ऊपर तैरने लगेगा और जब ऊपर तैरने लगेगा तो आप इस हल्के बीज को बाहर निकाल दें, क्योंकि जो हल्का बीज होता है जो साथ में बुआई के समय चला जाता है वो काफ़ी रोगग्रस्त हो सकता है और दूसरे स्वस्थ पौधों को भी रोगग्रस्त बना सकता है। तो आप जो हल्का बीज है जिसको थोथा भी कहते हैं उसको बाहर ज़रूर निकाल दें, तभी आप सेहतमंद नर्सरी तैयार कर पाएंगे। चौथी और महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर अपनाना है यानी बीज उपचार तो आपको ज़रूर करना है। बीज उपचार के लिए 20 ग्राम कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब जो 12+63% का आता है, इसके साथ में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिला लेना है, यानी 10 किलोग्राम एक एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से आपको इसको मिलाना है। और इसके बाद जो बीज होता है बीज के ऊपर इसको आपको छिड़क देना है। छिड़कने के बाद धीरे 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 करके आपको पूरे बीज में इसका लेप चढ़ा देना है। इसके बाद इसको आपको छाया में डाल देना है। कुछ देर के बाद इसको एक जगह इकट्ठा कर लें और ऊपर टाट का बोरा ढक दें। 24 घंटे के बाद आपका अंकुरण बीज का हो जाएगा और उसकी नर्सरी डालने के लिए अब आपकी बीज जो है वो तैयार हो चुकी है। पांचवा बिंदु भी आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आप अच्छी और सेहतमंद नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यानी नर्सरी बुआई से पहले जब आप जुताई कर रहे हो तो जुताई करने के बाद जो पाटा लगा रहे हैं उसके पहले आपको जो नर्सरी के लिए आपने खेत का चुनाव किया है 1 किलोग्राम यूरिया 3 किलोग्राम DAP या फिर इसकी जगह पर 5 किलोग्राम NPK ले लीजिए और 1 किलोग्राम जिंक लेकर आपस में मिला करके और बुआई कर दें। उसके बाद पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद फिर आपको पानी भर देना, यानी उसको पानी से भर देना, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरा रहे। उसके बाद आपको छठा बिंदु अपनाना है। छठे बिंदु में जो अंकुरित बीज होता है वो अंकुरित बीज को ऊपर शाम के समय जो 2 से 3 सेंटीमीटर पानी आपने भरा है उस पर छिटक देना है। इसके बाद लगभग 48 घंटे के बाद आपको शाम के समय फिर से पानी भरना है, जो 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी भरना है। उसी में आपको खरपतवार ना उगे, इसके लिए जो है खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करना है, यानी साथ में चला देना है, जिससे खरपतवार भी आपके नर्सरी में नहीं उगेंगे और आपकी काफ़ी अच्छी लगभग 24 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी और उसकी रोपाई आप सही समय पर करवा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया नर्सरी से आप अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।